अब आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 पे। अब सुनिए ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 22 को बनाने का बहुत मेथड है। सबसे पहले तो y बराबर अगर रूट अंडर एक्स बाई ए है और प्लस रूट अंडर ए बाई एक्स है, अगर dy वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, डायरेक्ट डिफ्रेंशिएट कर दो, मतलब ऐसे कर दो। मेथड वन, dy वाई बाई डी एक्स निकालना है हमको, मान के चलिए, तो सबसे पहले क्या कर सकते हैं इसमें ज़रा हमको बताइएगा। पहले y ही लिखिए, जो कांस्टेंट है क्या उसे हम बाहर कर सकते हैं? जैसे हमको यहाँ पे दिख रहा है अंडर रूट एक्स बाई ए, तो इसको अंडर रूट एक्स और बाई अंडर रूट ए लिख सकते हैं, प्लस ये हम लोग अंडर रूट ए बाई अंडर रूट एक्स लिख सकते हैं। सही बात है ना? अब डी वाई बाई डी एक्स निकालिए, तो डी वाई बाई डी एक्स निकालिएगा तो क्या आएगा, वन बाई रूट ए बाहर और रूट एक्स, क्योंकि ए कांस्टेंट है तो रूट ए भी कांस्टेंट होगा, तो एक कांस्टेंट नंबर बाहर हो गया। अब रूट एक्स का डिफरेंशिएशन याद किए हुए वो वन बाई टू रूट एक्स, फिर उसी तरह से ऊपर से रूट ए बाहर, और वन बाई रूट एक्स का डिफरेंशिएशन आपको याद करवाया गया है कितना, माइनस वन बाई टू एक्स रूट एक्स, माइनस वन बाई टू एक्स रूट एक्स। तो डायरेक्ट लिख लो, माइनस वन बाई टू एक्स रूट एक्स हो गया डिफरेंशिएशन। अब उसको प्रूफ करना है, अब उसको प्रूफ करना है तो थोड़ा सा रीअरेंज करना पड़ेगा। अब रीअरेंज कैसे करें, तो सबसे पहले तो आप लिख लीजिए वन बाई टू रूट अंडर ए रूट अंडर एक्स प्लस, माइनस हो जाएगा ये, माइनस माइनस रूट अंडर ए और ये हो जाएगा टू एक्स रूट एक्स, सॉरी यहाँ पे हमको लग रहा है सही, यहाँ पे गलती की है ना, एक्स रूट एक्स होगा ना, ना ना ये ठीक ठीक था ठीक था ठीक था, नहीं नहीं वो ठीक था, ये वन बाई रूट ए बाहर था, वो वाला तो होगा ही ना फॉर्मूला में, एक्स रूट एक्स, दिक्कत क्या है, सही है। अब एलसीएम लोगे तो क्या होगा, एलसीएम लोगे तो एलसीएम लोगे तो क्या होगा, सबका एक एक पार्ट ले लो, जैसे दो दो है तो दो ले लो, रूट ए इसमें नहीं है एक रूट ले लो, रूट अंडर एक्स ले लो। अच्छा एक बात बताओ, एक्स लेंगे तो रूट एक्स नहीं आ जाएगा उसमें, एलसीएम में अगर हम एक्स ले लें तो रूट एक्स तो आ ही ना जाएगा उसमें, बात समझ रहे हो कि नहीं समझ रहे हो जाता है। तो अब इससे अगर डिवाइड करेंगे तो ये दो से दो कटा, रूट ए से रूट कटा, और रूट एक्स से जब इसको काटेंगे तो आएगा रूट एक्स, आएगा ना, ये रूट एक्स बचा, माइनस दो से दो गायब, रूट एक्स से, अच्छा ये गड़बड़ हो जाएगा, फिर ये गड़बड़ हो जाएगा क्योंकि एक्स रूट एक्स होना चाहिए ना, तो ये ज़्यादा है ना एक्स रूट एक्स। अच्छा एक तरीका तुमको बताएं, जब हमको नहीं समझ में आता है कि एलसीएम क्या होगा तो दोनों का गुना कर दो, एकदम समझ में नहीं आया ना तो इसका इसका गुना कर दो, वैसे इसका एलसीएम बता देते हैं क्या होगा, टू रूट ए एक्स रूट एक्स, क्या होगा टू रूट ए एक्स रूट एक्स, लेकिन अगर समझ में नहीं आया तो सबका गुना कर दो, टू रूट ए रूट एक्स गुने टू एक्स और रूट एक्स, गुना कर दिए। अब जब इससे डिवाइड करेंगे तो ये वाला पार्ट पूरा कट जाएगा, इसका गुना इसमें होगा, याद रखना जब एलसीएम दोनों का गुना रहता है तो इसका गुना इसमें कर दिया जाता है और इसका गुना इसमें कर दिया जाता है, याद रहेगा ये बात, क्योंकि जब इससे भाग दोगे तो ये पूरा कट जाएगा, तो ये टू एक्स रूट एक्स यही वाला ना बचेगा, तो वन में गुना करोगे तो टू एक्स रूट एक्स, फिर माइनस इससे जब डिवाइड करोगे तो ये कटेगा, तो ये पूरा भाग बचेगा, तो इसका गुना इसमें होगा रूट ए में, तो रूट ए में इसका गुना होगा तो टू इंटू रूट ए का रूट ए में होता ए हो जाएगा और रूट अंडर एक्स होगा, सही बात है।
अब ऊपर से कुछ कॉमन होता हुआ दिख रहा है तुम्हें? सबसे पहले तो दो काट लो, दो कटता हुआ नजर आ रहा है सब में है, रूट एक्स भी सब में है, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी। अच्छा अच्छा गड़बड़ा दिए, गड़बड़ा दिए, इसमें प्लस थोड़ी है, इंटू ना है तो एक ही को ना कटेगा, नहीं समझे? चलो काटो मत, काटोगे तो कंफ्यूज हो जाओगे, हम समझ जाएंगे तुम कंफ्यूज हो जाओगे, काटो मत। ऊपर से कॉमन लो, मान लो कुछ भी नहीं कटा हुआ है तो ऊपर से हम क्या कॉमन ले सकते हैं? टू रूट एक्स कॉमन ले सकते हैं ना, तो यहाँ एक्स बचेगा और माइनस में ए बचेगा डिवाइडेड बाई, यहाँ क्या है पूरा का पूरा है तो दो दुना के चार और रूट अंडर ए और फिर एक्स, आ ये रूट एक्स का गुना होगा तो ये भी एक्स हो जाएगा ना, बोलो। ये समझ में आ रहा है ना कि एक्स रूट एक्स का गुना होगा तो एक्स हो गया, ये एक्स था पहले से, दो और रूट ए बाहर लिखे ही हैं, तो अब जो डी वाई बाई डी एक्स आया है वो क्या आया हुआ है बताओ? डी वाई बाई डी एक्स क्या आया हुआ है? ये दो से कटेगा ये, तो वन बाई टू आएगा और रूट एक्स से क्या हम लोग रूट एक्स को काट सकते हैं? बोलो, इस रूट से एक रूट एक्स कट जाएगा ना, नहीं समझ में आ रहा है तो बोलो। टू रूट अंडर एक्स और ब्रैकेट में आया हुआ है कितना, एक्स माइनस ए, उसी को अभी प्रिंट कर रहे हैं, और नीचे आ गया हमारा, ये दो काट लो कम से कम, ये दो हो जाएगा और रूट अंडर ए और एक्स का स्क्वायर हो जाएगा ना जी, तो इसको एक्स से एक्स रहने दो। अब सुनो ध्यान से, यहाँ पे जो प्रूफ करना है उसमें वाई भी मौजूद है ना वाई मौजूद, बोलो। और जो आरएचएस है वो देखो ध्यान से, आरएचएस जो है वो देखो, एक्स बाई ए है और माइनस ए बाई एक्स है, इसको कैसे बनाया जा सकता है? आरएचएस को केवल बनाना हो तो हमको, अगर हम ये अगर बोल दे तुमको ये एक्स बाई ए है ना और माइनस ए बाई एक्स है, तो एक बात बताओ हम क्या करते हैं कि रूट ए से, रूट ए से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर देते हैं, कोई दिक्कत? यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, रूट ए से मल्टीप्लाई कर देते हैं ऊपर नीचे, तो यहाँ रूट ए से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये वाला रेशनलाइज होके ख़त्म हो जाएगा ना, इसको मेथड टू से ही बनाना आसान था, वैसे हम ये झूठ मूठ का बना दिए इस मेथड से, कोई दिक्कत नहीं है, सीख लो। रूट अंडर एक्स और ये हो जाएगा रूट अंडर ए और ये हो गया एक्स माइनस ए, सिंप्लीफाई करना थोड़ा मुश्किल होगा, वैसे तुमको बता देते हैं कि वाई को सिंप्लीफाई यही से कर लो पहले, ज़्यादा आसान हो जाएगा। अंडर रूट ए और अंडर रूट एक्स का एलसीएम, अंडर रूट ए एक्स हो जाएगा, बोलो। अंडर रूट से अंडर रूट कटेगा, अंडर रूट एक्स आएगा तो यहाँ पे हो गया एक्स, अंडर रूट से अंडर रूट एक्स कट गया, अंडर रूट ए आया तो यहाँ हुआ ए, मतलब वाई का वैल्यू तुम्हारा एक्स प्लस ए डिवाइडेड बाई अंडर रूट ए एक्स है, याद रहेगा? मेथड टू से बता दें, तो यही हमारा कहने का मतलब है कि जो प्रूफ करना है उसमें वाई का टर्म लाना है ना, तो वाई का टर्म लाना है तो हम वाई को पहले देख लें कि वाई है क्या, वाई है क्या वो तो देख लें। अब यहां से दो और एक्स हमको इधर चाहिए तो दो और एक्स को इधर खींचेंगे अगले स्टेप में। चलो ये रेशनलाइज वाला कहानी अभी छोड़ो, जो हमको प्रूफ करना है उसका केवल पार्ट समझो, है ना? हमको किसी तरह से x प्लस ए और ए रूट एक्स यहाँ पे लाना होगा,
ये जो हमारा आएगा 2 इंटू अंडर रूट ए इंटू एक्स स्क्वायर, उसमें से यहाँ हमको 2x चाहिए ना। हाँ बोलो। अच्छा ये काट दो, ये को काट दो, ये रूट एक्स से एक रूट एक्स कट जाएगा ना, एक से कटेगा ना, तो x माइनस ए और नीचे हो गया 2 अंडर रूट ए एक्स, आ एक एक्स बचेगा, ये वाला लाइन समझ में आया। अंडर रूट एक्स से एगो एक्स काट दिया अंडर रूट एक्स बार में, क्योंकि एक्स में अंडर रूट एक्स इंटू अंडर रूट एक्स होता है। अब 2 अंडर रूट ए और अंडर रूट एक्स को एक साथ कर लिया और एक्स को एक साथ कर लिए, कोई दिक्कत है समझने में? कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब जरा एक बात बताओ कि वाई वाला जो टर्म है उसमें क्या है, एक्स प्लस ए वाई अंडर रूट ए एक्स है ना। तो अगर हम यहाँ पे y लिखना चाहते हैं 2xy, तो यहाँ पे तो आ ही रहा है, 2x को यहाँ लिख लो, 2x इधर खींचोगे तो 2x आएगा ना, 2x, और इसको भी इसको यहीं पे रहने दो, आ नहीं तो हाँ इसको यहीं पे रहने दो, 2x को खींचे हैं और dy/dx है, और यहाँ बच गया क्या हमारा x-a/ अंडर रूट ए एक्स, कोई दिक्कत है समझने में यहाँ पे? यहाँ तक कर सकते हैं ना, बोलो। अब जो है वाई को जरा देखो ध्यान से, वाई क्या है, एक्स प्लस ए रूट ए एक्स है, तो इसका जो रूट ए एक्स है वहाँ पे काम करो, रेशनलाइज कर दो, ज़्यादा दिक्कत हो रहा है तो ये जबरदस्ती कर दो, तुम क्या कर दो जबरदस्ती, जबरदस्ती क्या है कि दोनों तरफ हमको यहाँ पे अगर y लाना है तो हम दोनों तरफ y से गुना कर सकते हैं कि नहीं कर सकते हैं, हमारे इक्वेशन में हम दोनों तरफ y से गुना तो कर सकते हैं ना, कर दो है ना, मल्टीप्लाई बोथ साइड, मल्टीप्लाई बोथ साइड बाई y, तो y से अगर मल्टीप्लाई करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड हो जाएगा 2xy dy/dx, और RHS हो जाएगा हमारा x-a/√ax इंटू वाई, वाई से दोनों तरफ गुना हो गया। अब जो हमको प्रूफ करना है वो आ जाएगा यदि हम y का वैल्यू रख दें, क्योंकि RHS में हमारा y वैल्यू नहीं है, LHS में हमारा आ चुका है 2xy/dy/dx, तो y का वैल्यू हम यहाँ से लिख सकते हैं ना, यहाँ से बोलो, ये y का वैल्यू हम यहां से लिख सकते हैं कि नहीं, उसमें पुट कर सकते हैं ना, बोल नहीं रहे हो तुम लोग, पुट कर दो 2xy dy/dx और बराबर x-a/√ax इंटू वाई का जगह पे ये रख दो x+a और √ax, तो ऊपर कितना हो जाएगा x²-a² और नीचे ए एक्स होगा। अरे ए माइनस बी ए प्लस बी का गुना होगा तो a²-b² हो जाएगा ना, और अंडर रूट एक्स का गुना होगा तो ए को बाहर हो जाएगा। अब बारी बारी से डिवाइड कर दो ए एक्स से, तो ए एक्स से डिवाइड करोगे तो x²/ax - a²/ax, तो a से a कट जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे x x कट जाएगा, तो x/a यहाँ आएगा और -a/x यहाँ आएगा, तो यही ना प्रूफ करना था 2xy/dy/dx। तो ये मेथड वन है जो हार्ड है आपका, मेथड टू से इस क्वेश्चन को आप आसानी से बना सकते हो, ठीक है ना। क्या बोल रहे हो, मतलब जो मेथड टू है उससे ये क्वेश्चन बन जाएगा, क्योंकि देयर आर मेनी क्वेश्चन जो मेथड टू से बनाओगे तो वो तुमको आसान लगेगा। ये तो मान लो एक क्वेश्चन है पार्टिकुलर, देखो क्या करेंगे, सबसे पहले हम स्क्वायरिंग कर देंगे, अंडर रूट से हमको डिस्टर्बेंस हो रहा है,
अंडर रूट से डिस्टर्बेंस हो रहा है, हम स्क्वायरिंग बोथ साइड कर देंगे पहले ही, मेथड टू है ये, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो स्क्वायरिंग बोथ साइड करोगे तो ये वाई स्क्वायर बन जाएगा और ये ए प्लस बी का होल स्क्वायर बनेगा, अंडर रूट एक्स बाई ए और प्लस अंडर रूट ए बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये तो वाई स्क्वायर रहेगा, ये बन जाएगा ए प्लस बी का होल स्क्वायर। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है जी, ए का स्क्वायर, तो अंडर रूट एक्स बाई ए का होल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर यानी कि अंडर रूट ए बाई एक्स का होल स्क्वायर। तो ये हो गया ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, अब प्लस टू ए बी, तो टू इंटू ए के जगह पे अंडर रूट एक्स बाई ए, बी के जगह पे अंडर रूट ए बाई एक्स, ये वाला कट जाएगा, अंडर रूट एक्स से अंडर रूट एक्स कट जाएगा, कटेगा ना। तो वाई स्क्वायर बराबर क्या आ गया यहाँ से, एक्स बाई ए हो गया क्योंकि एक रूट से फ्री हो जाएगा, ये ए बाई एक्स हो जाएगा और प्लस टू। क्या ये वाला बात समझ में आया आपको? यहां तक का लाइन समझ में आया कि नहीं? अब देखो अगर यहां तक समझ में आ गया तो ये वाई स्क्वायर है और ये एक्स बाई ए है प्लस ए बाई एक्स है और टू है। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड, डिफरेंशिएट डिफरेंशिएट बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो सबसे पहले अगर वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करना हो तो वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होगा चैन रूल से, पहले पावर का करते हैं तो टू इंटू वाई का पावर टू माइनस वन होगा। बोलो, अब वाई स्क्वायर का हो गया टू इंटू वाई का पावर टू माइनस वन, अब वाई का भी तो करना है एक्स के रेस्पेक्ट में, तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में क्या होता है dy by dx, क्योंकि y नहीं मालूम है क्या है, तो y का डिफरेंशिएशन हम dy by dx लिख देंगे और RHS है हमारा x by a, तो a बाहर 1 by a बाहर और x का डिफरेंशिएशन भी 1 होता है प्लस यहां से a बाहर और 1 by x का डिफरेंशिएशन माइनस 1 by x स्क्वायर और प्लस टू का डिफरेंशिएशन जीरो। क्या ये वाला लाइन समझ में आया? देखो फिर से समझा देते हैं, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स बोथ साइड, माने एक्स के रिस्पेक्ट में दोनों साइड डिफरेंशिएट करेंगे। तो ये वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करने के लिए पहले पावर का होगा, तो ये हो गया टू इंटू वाई और फिर y मिला हमारे पास क्योंकि अभी हम पावर का किए थे, अब y पे पहुंचे तो y का डिफरेंशिएशन x के रेस्पेक्ट में dy by dx, dy by dx यही वाला लाइन समझना है, पहले पावर का 2y और फिर y का dy by dx। RHS में आए तो x by a था, तो a तो कांस्टेंट है वो बाहर रहेगा, तो x का डिफरेंशिएशन 1, a तो बाहर है, इधर आए तो a ऊपर था तो ऊपर से बाहर, अब हमको ये नज़र आया 1 बाई एक्स, तो 1 बाई एक्स का डिफरेंशिएशन माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर और 2 का डिफरेंशिएशन 0। ये वाला लाइन समझ में आया? प्रिंट करिए। उसके बाद आप बताइए कि ये 2y और dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू, यहाँ पे हम कह सकते हैं ना कि ये 1 बाई ए है और माइनस ए बाई एक्स स्क्वायर है, यहाँ पे हम एलसीएम ले सकते हैं, एलसीएम क्या होगा ए एक्स स्क्वायर होगा, ए से ए कट गया, एक्स स्क्वायर है ऊपर मल्टीप्लाई कर दो एक्स स्क्वायर हो गया, माइनस एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया ए आया तो यहाँ ए स्क्वायर हो गया, अब ये हो गया टू वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। अब जो तुमको प्रूफ करना है ना उसको झाको, 2xy dy by dx है, 2xy dy by dx है, तो यहाँ पे 2y है केवल, हमको कितना का जरूरत है x का, इसमें से एक x को खींच लो
खींच सकते हो ना, एक ही एक्स का जरूरत है केवल। तो 2 इंटू एक्स को अगर इधर खींच लिए तो 2x इंटू वाई, 2x इंटू वाई और डी वाई बाई डी एक्स, और बराबर के उधर क्या बचा, एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए गो एक्स खींचे थे तो ए गो एक्स बचा रहेगा। हो गया ये जला तो समझ में आया, एक ही एक्स ना खींचेंगे क्योंकि हमको 2x वाई डिवाइड बाई डी एक्स चाहिए। अब आरसीएस में जब बारी बारी से डिवाइड करोगे तो जब पहली बार डिवाइड करोगे तो x कटेगा, तो जब x कटेगा तो ऊपर में ए गो एक्स बचेगा नीचे में a बचेगा, माइनस इसको जब डिवाइड करोगे तो a कटेगा, तो ए गो ऊपर में a बचेगा नीचे में x से डिवाइड हो रहा था x बचेगा। क्या ये प्रूफ हो गया, ये वाला लाइन समझ में आया कि नहीं? ये मेथड 2 था तुम्हारा।